वेलकम टू आवर चैनल प्रकाश ड्रीम टीम। आज का जो मैच होने वाला है BHW बनाम STW, जो सेकंड सेमीफाइनल है BBL का। सेमीफाइनल में जो पहला सेमीफाइनल था वो अनएक्सपेक्टेड था, जो जीत गए। सेकंड सेमीफाइनल में जो देखा जाए तो पूरे पिच का कंडीशन देखा जाए तो यहाँ जो बैटिंग लाइनअप जो है, जो फर्स्ट इनिंग जो है उसका एवरेज स्कोर 121 होता है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 105 है। यानी कि टॉस जीतिए पहले बैटिंग कीजिए इस पिच का जो है। यहाँ अभी तक हाईएस्ट टोटल जो देखा गया है 184/5, ये बेस्ट हाईएस्ट टोटल है। लोएस्ट देखा जाए तो अभी एक या दो ओवर का गेम हुआ था जिसमें 13 रन बनाया गया था। अभी तक जो चेस्ट हुआ इस पिच पर वो ऑलरेडी बाद में जो बैटिंग करता है वो टीम जीती है, 184/5 बनाकर जीती है। लेकिन जो पहले बैटिंग करता है उसका एवरेज जीतने का ज़्यादा है। इसमें देखा जाए तो BRH और SYTW का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 6 बार एक दोनों का मुकाबला जो हुआ था उसमें BRHW 6 बार जीता है और SYTW 4 बार जीता है। बैटिंग का देखा जाए तो बैटिंग जो पहले करती है वो 38% टीम जीतती है, बॉलिंग जो पहले करती है वो 62% टीम जीतती है। लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है 13/2, 4 ओवर का गेम हुआ था, 13/2 लोएस्ट डिफेंड हुआ था। इधर देखा जाए तो अपना विकेट कीपर के रूप में देखा जाए तो 2 विकेट कीपर रेड माइने और टी विलियमसन है, यानी कि दोनों का 8.5 पॉइंट का है। यानी BHW का रेड माइने जो है विकेट कीपर है, हम लोग का चुनाएगा। अगर विकेट कीपर, बैटिंग, बॉलिंग सारे जो भी चीज़ें हैं उसमें देखा जाएगा तो विकेट कीपर जो है एक चुनाएगा दो में से। बैटिंग का देखा जाए तो आर हैंस, एल हैरिस, एम ग्रीन, लिचफील्ड, ट्रीमैन, बेन माउंट, मिस बॉल और नॉट। इसमें से देखा जाएगा तो आपको जो चूज करना है उसमें आर हैंस को चूज कर सकते हैं, एल हैरिस को चूज कर सकते हैं, एम ग्रीन, लिचफील्ड वगैरह को नहीं चूज करना है। बैटिंग में तीन को ही चूज करेंगे क्योंकि ऑलराउंडर को थोड़ा सा ज्यादा चूज करना है इसमें। इसमें ऑलराउंडर को देखा जाए तो हीथर नाइट जो है सबसे टॉप है 10.5 पॉइंट के साथ, बहुत अच्छा बैटिंग बॉलिंग सारा चीज करते हैं। इसमें से जे जॉनसन और जी हैरिस ओपनिंग बैटिंग भी करने आते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं, इसलिए जी हैरिस को भी रखा जा सकता है। एक एयर एस जे जॉनसन, मैं एक एयर को नहीं रखूंगा, एस जे जॉनसन को रखूंगा जिसमें 9 पॉइंट के साथ है। जे जॉनसन भी रहेगा, चार ऑलराउंडर को ही हमको रखना है। इसमें एंडी क्लार्क भी है, एंडी क्लार्क को नहीं रख पाएंगे उसमें, कि हम लोग का टीम में जगह नहीं बन पाया। बॉलर को देखा जाए अगर तो बॉलर का इसमें जो है बॉलिंग कीजिएगा, अच्छा से बॉलिंग कीजिए, विकेट जीतिए, तो डिकी मिंच जो है वो सबसे पहले आएंगे। डिकी मिंच है, स्मैक को रखा जा सकता है। पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया था, अपनी टीम को बहुत अच्छा मजबूत आधार दिला के जितवाया था। उसमें से मुझे लगता है कि स्मैक को रखा जा सकता है। लेकिन एस बेट्स भी बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं और एन हैंकॉक या जी प्रेस्टवाइज या एस डार्लिंगटन, इतना मिला कर देखा जाए तो आपका प्लेइंग 11 बहुत बेस्ट बन रहा है, जिसमें रेड माइने और जी हैरिस ओपनिंग करने आते हैं अपनी टीम से। हैथर नाइट जो है STW की तरफ से बेस्ट ऑलराउंडर है। इस तरह से मिला के हम अभी अपना टीम बनाएंगे, जो अपना प्लेइंग 11 होगा वो मैं आपको प्लेइंग 11 दिखाता हूँ। उसके बाद देखा जाए पिच का, देखा जाए तो वही है पिच, बैटिंग लाइनअप के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लेडीज का टीम होने के साथ साथ है तो इसमें ऑलराउंडर ज़्यादा उसमें रेड माइने को मैंने विकेट कीपर के रूप में रखा है। एक टीम जो है जी बॉल को रखा है थोड़ा सा कम पॉइंट के कारण, जी बॉल को रखा है और ट्रीमैन को रखा है, आर हैंस, ये 3 बैट्समैन को रखा है, 1 विकेटकीपर हो गए। ऑलराउंडर में देखा जाए तो 4 को मैंने रखा है, जिसमें से जे जॉनसन, जी हैरिस, एस जे जॉनसन, एच नाइट, इतर नाइट को रखा है। इतर नाइट ये सारा ऑलराउंडर है, एक ऑलराउंडर और उसमें है जिसको मैंने नहीं रखा है, एक एयर को रखा है। क्योंकि और एक एयर को रखते हैं तो किसी एक प्लेयर को हटाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक एयर आज हो सकता है कि नहीं चले, इसलिए मैंने अपने टीम में नहीं रखा। आप अपने टीम में रख सकते हैं, इसकी जगह पर हो सकता है जी हैरिस या एस जे जॉनसन की जगह पर एक एयर को रख सकते हैं या जे जॉनसन के ऊपर रखता है। लेकिन मैं अपना ये जो प्लेइंग 11 बनाया इसमें 4 ओवर रखा और बॉलर में डिकी मैन से डार्लिंगटन और एल एस स्मिथ को रखा है। मिला जाकर देखा जाए तो इसी प्लेइंग 11 में हीथर नाइट को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन जो है जे जॉनसन को बनाऊंगा। एक टीम में देखा जाए तो मैं रेड माइने और या तो जी हैरिस को कैप्टन, जी हैरिस इसलिए कैप्टन क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, ओपनिंग भी आते हैं, और वाइस कैप्टन जो है मैं आर हैंस को बनाऊंगा बीसी। इसी तरह मिला जुला के देखा जाए तो 4 से 5 टीम में बनाऊंगा, जिसमें से कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी है आप अपना चेंज कर सकते हैं। एक प्लेयर को भी आप रख सकते हैं, एक टीम में मैं एक प्लेयर को रखूंगा जिसमें से एस जे जॉनसन या जे जॉनसन को हटाऊंगा। ये मेरा प्लेइंग 11 है जिससे आप अपना टीम बनाइए, हम अपना टीम बना रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे